Dadı yavrum renkli zandı gel. आज मैंने ये पुदीने की चटनी और ये एप्रिकॉट के सीड्स है। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, बज रहे हैं और मैं ये वाला व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह से कुछ नहीं किया क्योंकि सब लोग बैठे थे। आज हमारे यहाँ शिवरात्रि के बाद बासी वाला दिन होता है। मतलब मेन बासी वाले दिन क्या होता है, जो भी आपके रिलेटिव होते हैं, मतलब मामा साइड के रिलेटिव, जैसे दादी के मायके वाले, मम्मी के मायके वाले, वो सब हमारे यहाँ पर जो जो कल पकवान बने होते हैं वो लेकर आते हैं। हम लोग भी अपनी बुआ के घर लेकर जाते हैं। और तो इस वजह से सुबह से थोड़े बहुत गेस्ट भी आ रहे थे तो हमने कुछ किया भी नहीं। और अभी दिन के 2 बजे हैं तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ शाम के लिए सब्ज़ी लेने। नहीं, शॉप नहीं जा रही हूँ, मैं खेत जा रही हूँ। खेत से जो हमारी खेत में एक तरह का घास तो नहीं बोलेंगे, मतलब होता तो घास ही है, बट उसमें कुछ बीच में ऐसे भी होते हैं जिनको हम सब्ज़ी के तौर पर खाते हैं। तो मैंने ये पैकेट लिया छोटू सा, तो मैं दादी के साथ जा रही हूँ क्योंकि दादी मेरी सब्ज़ी ढूँढने में बहुत ही ज़्यादा प्रो है, तो वो मेरे लिए भी ढूंढ देंगे। नहीं होगी तो मैं अभी चलती हूँ, और अभी आगे भी जाना है दादी के साथ, वो गाय को पानी भी देना है। और धूप इतनी तेज़ लगी है ना, क्या बताऊँ, एकदम मस्त मौसम हुआ है, देख सकते हो कैसा धूप लगी है। और मम्मी जा रहे खेत, तो आज की डिनर बनाने की बारी मेरी है, तो चलते हैं। मैंने थाटू पहन लिया क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना, अभी तक मैंने पूरे मुँह को कवर कर रखा था, तो आगे भी मैं यही करूँगी। चलते हैं, तो दादी चले गए और अभी मैं जा रही हूँ। जितने तक मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत करी थी तो दादी ने वो मैक्स लेवल के पास निकलेगी, वो आ गया है। मैं चल रही हूँ। दादी आपने मेरा इंतज़ार नहीं किया? दादी ने सोची कि तब तक पानी नहीं देती हूँ, बट मैं आपको अपनी पुच्चू मुच्चू डिच्चू से भी मिलवाती हूँ। ये है मेरी, पैकेट को पहले जेब में डाल देती हूँ, और अब मेरी पुच्चू मुच्चू डिच्चू बड़ी हो गई है और दादी इसको पानी दे रहे हैं। पी लो भाई, और मस्त धूप भी आती है ना अंदर तक। और इसकी मम्मा पीछे वेट कर रही है अभी अपनी टर्न का, और ये इसकी बेटी है। हेलो पुच्चू मुच्चू डिच्चू, पूरा पानी पी दे, दादी पी लिया सारा। और लाओ इसको, आजकल इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि आजकल खाने में इनको कुछ भी हरा घास नहीं है ना, सुबह घास खाना पड़ता। तो एकदम सेहतमंद बच्ची है हमारी, हो गया दादी हमने पीना से, हो गया। आ जाओ बाहर, इसे छोटे छोटे से सींग भी निकल रहे हैं, देखो ऐसे अभी तो छोटे छोटे ऐसे सींग, देखो पिद्दू पिद्दू। अभी हम इनको देंगे ये पत्तियाँ, पीछे हो जाओ डुबकू। अब है गाय का नंबर, गाय के लिए हम यहाँ से पत्ती लेके जाएंगे। इतना काफ़ी है दादी, काफ़ी इतनी और डालो। दोस्तों तो कुछ ऐसा है हमारा सब्जी का एरिया, बट इसमें सब सब्जी नहीं है, इसमें कुछ एक चीज़ें पर्टिकुलर सब्जी है, जैसे पर्टिकुलर घास सब्जी है, जैसे ये वाला, इसको बोलते हैं मुंगरा। इसको हमें ऐसे निकालना है बहुत ही, अभी थोड़ा छोटू छोटू है, वैसे काफ़ी बड़ा भी होता है। और क्या निकालते हैं हम, जैसे कि ये वाला, ये इसको क्या बोलते दादी, बड़ैड़ा कुकड़ी, ये बड़ैड़ा कुकड़ी क्या है, हैं दिखाओ तो, ये वाला कहाँ से निकाली आपने? हाँ ये वाला, जो ये
इसमें कुखड़ी, ऐसे कुखड़ी यहाँ से निकालेंगे हम। इसमें भी ये सब नहीं निकालना, जिसमें वाइट फ्लावर आया है ये नहीं निकालने, जो एकदम ऐसे है ये अच्छे वाले ये निकालने। दोस्तों तो हमने इतनी सी सब्ज़ी निकाल दी और हम यहाँ पर थक चुके हैं। दादी भी यहाँ बैठे हैं और मैं तो यहाँ पे लेट ही चुकी हूँ दोस्तों, और दादी अपनी स्वेटर भूल गए। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। यहाँ पर एक्चुअली में दादी ने दाल लगाई थी और वो कोयले बुझ चुके थे, और दादी बना रहे मस्त राजमा जो कि पक भी चुकी है। दादी ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। यहाँ दादी ने इस वाली अंगीठी पे लगाई थी, इसमें कोयले डालते हैं और मस्त दाल पक गई है ये बहुत अच्छे से। मेरी हरी सब्जी की चॉपिंग हो चुकी है डन, और साथ में बनेगी आज पुदीने की चटनी और ये एप्रिकॉट के सीड्स हैं इनकी चटनी मिक्स करके। और आग भी जल चुकी है, अभी मैं बस फटाफट से प्याज टमाटर काट देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। Hi guys, good morning. तो नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह के छोटू मोटू काम करने के बाद अब मैं लगी हूँ लंच की प्रिपरेशन करने, क्योंकि मम्मी पापा गए खेत तो मम्मी ने मुझे कहा है कि आज मुझे लंच बनाना, तो मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी। तो सबसे पहले साथ जितने में मेरा कढ़ी बनेगा उतने में मैं बनाऊंगी पनीर। पनीर के लिए मैं सबसे पहले दूध डाल दूंगी। अब दूध में उबाल आने वाला है और अब हम इसमें डाल देंगे लस्सी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पनीर बनाने के लिए नींबू विनेगर या फिर फटकरी हो, आप लस्सी से भी पनीर बना सकते हैं, क्योंकि लस्सी डालने से भी दूध फट जाता है। तो ये पनीर बनाने का देसी तरीका है। और ये हमारा पनीर हो चुका है एकदम तैयार। दिन में लंच बनाने के बाद, एक वीडियो एडिट करने के बाद मैंने कोई खास काम नहीं किया, बस एक काम किया वो है खेत से पालक लेके आई हुई है निकाल कर, और यहाँ देख सकते हो ये, क्योंकि आज हमारे घर में बन रहा है पालक पनीर, तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और अब मैं इसको स्टीम करने के लिए लगाऊंगी। उससे पहले मुझे एक काम करना है, वो है क्या काम करना है आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो कि मैंने ही फैलाया है वो है ये देखो, ये सारे कपड़ों को यहाँ पे अच्छे से इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक रजाई थी जो कि थोड़ी थोड़ी फट चुकी थी, हमने वो दोबारा से बनाने को दे दिया, इसीलिए वो यहाँ से स्पेस खाली हो गया। मुझे ये कपड़े यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करने, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं जो मैंने पनीर निकाला था वो इतना सा है, अभी मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अभी ये ग्राइंड करके रखा है पालक, और पनीर को मैं थोड़ा बहुत फ्राई करूँगी फिर बनाएंगे।
मेरा पालक पनीर बनकर हो गया तैयार और टाइम 9 बज चुके हैं और मम्मी की रोटियां बन रही है।